मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। अजय देवगन की फिल्मों की हुई सेंचुरी। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने हाल ही में अपने आने वाली फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर की रिलीज डेट का ऐलान किया है। ये अजय देवगन की 100वीं फिल्म है। इस मौके पर उनके अभिनेता दोस्त अक्षय कुमार ने उनकी जमकर तारीफ की है। अक्षय ने मंगलवार को ट्विटर पर अजय की इस आगामी फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, हमने इस इंडस्ट्री में साथ में अपने सफर की शुरुआत की थी 30 साल पहले और इस दौरान मैंने तुम्हें मजबूती से कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा है। अक्षय ने आगे लिखा, तानाजी द अनसंग वॉरियर के साथ आप शतक लगाने वाले हैं, आपको ढेर सारा प्यार और सौभाग्य की शुभकामनाएं, ऐसे ही चमकते रहो मेरे दोस्त। चीन के बाद अब जापान में धूम मचाएगी फिल्म अंधाधुन। आयुष्मान खुराना के लिए नेशनल अवार्ड तक पहुंचाने वाली और भारत से लेकर चीन तक के बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहराने वाली फिल्म अंधाधुन अब जापान में धमाल करने जा रही है। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित थ्रिलर फिल्म अंधाधुन जापान में 15 नवंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में उत्कृष्ट अभिनय के लिए आयुष्मान खुराना राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। भारत में ये फिल्म इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी और इसकी तारीफ चीन, कोरिया, रूस और कजाकिस्तान सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हुई है। धर्मशाला में हुआ 8वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन धर्मशाला में हर बरस नवंबर में होने वाला धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2012 में शुरू किया गया। ये समारोह साल में 4 दिन इस छोटे से पहाड़ी शहर को अपनी सीने गतिविधियों से गुलजार कर देता है। इस साल 7 से 10 नवंबर तक ये फिल्म समारोह अपर धर्मशाला यानी मैक्लॉडगंज के तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आयोजित किया गया। इस दौरान यहाँ देश विदेश से आई तकरीबन 60 छोटी बड़ी फीचर, गैर फीचर और डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई गई, जिन्हें देखने और दिखाने के लिए देश विदेश से कई फिल्मकार, कलाकार, दर्शक यहां पहुंचे। पीले रंग की साड़ी में नजर आई जैकलीन फर्नांडिस। बॉलीवुड की बोल्ड और खूबसूरत अदाकाराओं में से एक जैकलीन फर्नांडिस ने हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए पीले रंग की साड़ी में बेहद हॉट और बोल्ड फोटोशूट कराया है। पीले रंग की साड़ी में सिल्वर स्ट्रेपी ब्लाउज के साथ जैकलीन बेहद हॉट अंदाज में नजर आ रही हैं। जैकलीन ने मनीष मल्होत्रा के द्वारा डिजाइन की हुई साड़ी में अपना हॉट अवतार दिखाया है। जैकलीन इस साड़ी में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस अंदाज में दिखाई दे रही हैं। जैकलीन का ट्रेडिशनल लुक उनके फैंस को भी पसंद आ रहा है। दबंग 3 का मुन्ना बदनाम हुआ गाना हुआ रिलीज। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का गाना यूं करके के बाद सलमान ने मुन्ना बदनाम हुआ रिलीज कर दिया है। सलमान ने गाने का ऑडियो ड्रॉप शेयर किया है। मुन्ना बदनाम हुआ में बादशाह, कमाल खान और ममता शर्मा ने आवाज़ दी है। वहीं इसका म्यूजिक संगीत जोड़ी साजिद वाजिद ने दिया है। इस गाने को दानिश साबरी ने बादशाह के साथ रैप गीत में पेश किया है। मुन्ना बदनाम हुआ में सलमान खान एक्ट्रेस वरीना हुसैन के साथ ठुमके लगाते नजर आएंगे। सलमान खान ने बताया कि फिल्म में इस आइटम नंबर का आइडिया उन्हीं का था। फिल्म दबंग 3 इस साल 20 दिसंबर को रिलीज होगी। सिल्वर स्क्रीन पे उतरने को तैयार है चंदा। जय विरात्रा एंटरटेनमेंट लिमिटेड द्वारा शॉर्ट फिल्म चंदा की स्क्रीनिंग का आयोजन मुंबई स्थित सहारा स्टार के लाइन क्राफ्ट में किया गया है। इस फिल्म में गुरलीन चोपड़ा, पुष्पेंद्र तिवारी और आदित्य वर्मा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। गौरतलब है कि चंदा एक प्रतिष्ठित व लोकप्रिय बैंक की विवादित CEO रही चंदा कोचर पर आधारित फिल्म है। इसका लेखन भानु ने किया है, इसके निर्देशक हैं अजय सिंह और इसका निर्माण नंदवाना और S. अखिलेश्वरन ने मिलकर किया है। इसका संपादन का जिम्मा दुर्गेश कुमार ने संभाला है। इस फिल्म के अन्य कलाकारों की बात करें तो इसमें आबिद अली, वीणा जैन, निशी और रचना सोनी का भी शुमार है। इस्तांबुल में हॉलीडे एंजॉय कर रही है किश्वर मर्चेंट। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रही किश्वर मर्चेंट इन दिनों इस्तांबुल में हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में किश्वर ने एक के बाद एक कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन सभी तस्वीरों में किश्वर का बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज दिखाई दे रहा है। इस्तांबुल की सड़कों पर घूमते हुए किश्वर मर्चेंट ने काफी स्टाइलिश अंदाज में तस्वीर खिंचवाई है। किश्वर रेड कलर की बेड में बेहद हॉट और बोल्ड अवतार के साथ स्विमिंग पूल में दिख रही हैं। किश्वर पीले रंग की ड्रेस में अपनी अदाओं से फैंस के साथ खेलती नजर आ रही हैं। किश्वर के साथ हॉलीडे एंजॉय के दौरान उनके पति सुयश राय नजर नहीं आ रहे हैं। मराठी फिल्म गर्ल्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। मराठी फिल्म गर्ल्स का ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस फिल्म में मुख्य किरदार है मती, रूमी और मैगी का, जो अपने शर्ट पर जीवन जीती हैं। इन तीनों का जीवन के प्रति यही विचार है कि हमें स्वतंत्र और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये तीनों लड़कियां अपने अपने लक्ष्य को पाने में बिजी होती हैं, तभी ये तीनों एक दूसरे से मिलती हैं और अच्छी दोस्त बन जाती हैं। फिल्म को निर्देशित किया है विशाल सखाराम देवरुखकर ने। विशाल के अनुसार ये फिल्म लोगों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
मायापुरी न्यूज़ में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।